अक्षय, I'm sorry. मंजरी मेरी भी दोस्त है, मैंने उसके साथ बुरा किया, उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन ये कोशिश तो कर सकती हूँ कि आगे उसके साथ बुरा ना हूँ। मंजरी ने मेरा साथ हमेशा दिया है, यहाँ तक कि कई बार उसने हमारी गलतियों को अपने सर पर ले लिया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ अक्षय, हमेशा खुश रहने वाली मंजरी की ये जो हालत हो गई है। उस संजय ने इतनी बुरी तरह मंजरी को अपने जाल में फंसाया है कि उसे अपनी जिंदगी से ना कोई उम्मीद है ना तो प्यार। रणबीर के आगे कुछ नजर ही नहीं आता उसे। हमें उसकी आंखों से प्यार की पट्टी उतारनी होगी। हमें? मैंने तय कर लिया है कि मैं मंजरी का साथ दूंगी। अगर मैंने मंजरी को इस हालत में ना देखा होता तो शायद मैं जिंदगी भर हिम्मत ना जुटा पाती। लेकिन अब मुझे अपनी प्रॉब्लम की परवाह नहीं है, मुझे अपनी दोस्त की लाइफ बचानी है और उसकी खुशियां भी। सुनो, मंजरी की दोस्त मेरी भी दोस्त है, एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम मिल जाएं, तुम्हारी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। बस एक बार वो MMS मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद उस संजय शर्मा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। पर वो हमें कैसे मिलेगा, उसकी अगली चाल क्या होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं सुनो, सोचना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है कि हमारा प्लान क्या होगा। जी मैम, श्योर मैम। मैम मेरी तबीयत बहुत खराब है 2-3 दिनों से मैम, पर मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। मैम बाय। हाय संजय। अरे तुमने आने में इतनी देर कर दी, कहाँ थी तुम? क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? अरे नहीं यार, वो दोनों अक्षय और मंजरी मुझे ढूंढते हुए कभी घर चले आते तो कभी ऑफिस तो कभी। वो लोग तो वापस आगरा चले गए। व्हाट? लेकिन कब? तुम्हें कैसे पता? तुम मिली थी उनसे? हाँ, अचानक मैं ऑडिशन देके बिल्डिंग से नीचे ही उतरी तो अचानक एक टैक्सी मेरे आगे आके रुक गई। मैंने देखा उसमें वो ही दोनों थे, पूछ रहे थे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? यहाँ का एड्रेस तो नहीं दिया ना तुमने उन्हें? नो वे, मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की, कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई आई हूँ। जब बात करी तो पता चला कि वो आज ही आगरा वापस जा रहे हैं। अभी तक तो उनकी ट्रेन जा भी चुकी होगी। फिर भी एक बार फोन करके कंफर्म तो करो। ओके प्लीज। आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, ट्रेन में तो सिग्नल का प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मंजरी की जो हालत थी उसे देख के तो यही लगा कि अक्षय का उसे वापस आगरा ले जाना जरूरी हो गया था। थैंक गॉड, ये दोनों कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं? उस लड़की ने मुझे परेशान करके रख दिया था, मेरा घर से निकलना तक मुश्किल हो चुका था। ऊपर से आज रात मेरे बॉस आ रहे हैं, रणबीर मल्होत्रा, अब मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा। ऊपर से उनकी मॉम, वो उनके लिए एक स्पेशल पार्टी रख रही है और सारे के सारे इन्विटेशन मुझे ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अभी उन्हीं का फोन आया था पर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि अक्षय मंजरी वहां एक बार ऑलरेडी जा चुके हैं। पर अब तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम आराम से वहां जा सकते हो। एक काम करो, तुम ऑफिस होके आ जाओ, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? क्या संजू, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी न्यूज दी और तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगे?
वैसे न्यूज तो वाकई में अच्छी थी और एक ट्वीट तो बनता है। मैं जल्दी से चेंज करके ऑफिस जाकर वापस आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं सब तैयारियां करके रखूंगी। See you then. ड्रेस पहनो। हाँ? रणबीर से मिलना है ना कल, पर मुझे ये नहीं पता कि रणबीर को कौन सा कलर पसंद है। अरे मैं तो भूल ही गई, एक्चुअली रणबीर को ब्लू कलर बहुत पसंद है। मेरे पास कोई ब्लू अच्छी ड्रेस नहीं है। तुम बताओ ना मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? जी ये वाली बहुत अच्छी है, देखो। बताओ ना अक्षय कौन सी ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन लो, तुम पे तो सब कुछ सूट करता है। और अगर मेरी नजर से देखोगी तुम तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। पता है अक्षय, कल मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। आई वॉन्ट टू लुक वेरी स्पेशल। पर तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही ये तीनों ड्रेसेस ट्राई करके डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। सुनो
आज रात क्या तुम मेरे संजय के घर पर आ सकते हो? हाँ सोनू, मगर बात क्या है? हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही मौका हाथ लगा है। कल रात असली रणबीर मल्होत्रा के घर पे पार्टी है और मेरे पास उसके इनविटेशन कार्ड्स भी हैं। अब हम संजय शर्मा की असलियत का पर्दाफाश सबके सामने कर सकते हैं। हाँ सोनू, पर आज रात तुम भूल गए। तुम्ही ने तो कहा था कि संजय के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले हमें उससे वो MMS लेना होगा। नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। तुम्हारे और मंजरी के आगरा वापस जाने की खुशी में संजय सेलिब्रेट करना चाहता है, और तुम तो उसका सेलिब्रेशन जानते ही हो, शराब और। सोनू बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। नीचे पहुंचकर तुम मुझे कॉल करना, मौका मिलते ही मैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? डर डर के ही तो एक के बाद एक गलत काम किए हैं मैंने। अब एक भला काम करने का मौका मिला है तो डर की वजह से मैं उसे गवाऊंगी नहीं। You don't worry about me. तुम बस टाइम पे पहुंच जाना। और अब हम किसी भी तरह से उसकी काली करतूत उसी के मुंह से कन्फेस कराएंगे। थैंक यू। संजय शर्मा, आज तक हर बाजी तूने जीती है, भले ही धोखे और फरेब से, लेकिन ये आखिरी बाजी हम जीतेंगे। वेलकम होम स्वीटहार्ट। वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये घर इतना रोमांटिक लग सकता है। I'm impressed. Very impressed. धीरे धीरे तुम्हें मेरी पसंद का पता चल रहा है। पसंद भी और मूड भी। और मेरी जरूरतों का? एक सेकेंड। तुम्हारी जरूरतों का सारा इंतजाम है यहाँ पे, बस ऑर्डर करो। क्या बात है, कहीं मेरा कत्ल करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? बस कुछ यूं ही समझ लो। स्वीट हार्ट, अब जब मरना ही है तो प्यासे क्यों मरे? दो चार ड्रिंक्स पी के मरते हैं। स्वीटहार्ट, ये तो मेरी इंसल्ट है। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम इन बोरिंग फाइल्स पे उलझे हो। सही कह रही हो तुम स्वीटहार्ट। संजय शर्मा पैदा ही सिर्फ ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए हुआ है, पर क्या करें, भगवान जब सारी दौलत रणबीर मल्होत्रा जैसे लोगों को देता है तो संजय शर्मा जैसे लोगों को उनकी नौकरी करनी पड़ती है। अब देखो ना, कल मेरे बॉस रणबीर मल्होत्रा आ रहे हैं और उनकी मॉम उनके लिए पार्टी दे रही है, और बैंड हमारी बज रही है।
लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ। पर अगर तुम चाहो तो मेरी थकान मिटा सकते हो। ओ बेबी, हैव अ सिप। तुम अब यहीं पे रुको, मैं वॉशरूम से चेंज करके आता हूं। तब तक तुम माहौल को थोड़ा और गर्म करो। माहौल तो दो लोगों से बनता है, मैं अकेली क्या करूंगी? ओ स्वीटहार्ट, सरा मुझे चेंज तो करने दो। छोड़ो ना, बाद में चले जाना। अब तुम इतना कह रही हो तो नहीं जाता, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, सोच लो। तुम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो क्या ना? मंजिल चली गई इसलिए? हाँ यार, बहुत परेशान किया मुझे उस मंजरी ने, जो की तरह चिपक गई थी मुझसे। वो अजीब बेवकूफ लड़की है, पता नहीं साली कौन सी दुनिया में रहती है। मैंने उसे इतना पागल बनाया, पर वो एक हिंदी फिल्मों की हीरोइनों की तरह जीने मरने की कसमें खाती खिलाती रही। साला मेरी लाइफ में आज तक इतनी लड़कियां आई हैं, पर मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। पहले तो आगरा में टाइम पास किया करते थे, फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह बारिश में घूमा करते थे, मंजरी तुम इतने बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। I don't care. I love the rain. मुझे बारिश बहुत पसंद है। साथ जो बारिश बहुत सुंदर लगती थी, आज वही बूंदे मुझे चुभ रही हैं। रणबीर, बारिश तो क्या, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बिना। प्लीज वापस आ जाओ रणबीर, प्लीज। ये इश्क़ है, ये इश्क़।